हाय दोस्तों दोस्तों इस साल की जो परीक्षाएं हैं स्कूलों की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं, यानी कि इस साल नहीं होंगी परीक्षाएं, क्योंकि आ, आ, इस दुनिया की जो स्थिति है उसको देखते हुए ऐसा कुछ किया गया है। हालांकि परीक्षा पर अगर बात करूं तो जब मैं छोटा था तो बेहद ही डरता था, और कभी कभी तो अगले दिन अगर परीक्षा हो तो बिल्कुल कपकपी छूट जाए, नींद ना आए और भूख प्यास जो होती थी सब मिट जाती थी। और आजकल भी जब मैं मेरे बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं जो मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और वो सभी भी चाहे जितनी तैयारी कर लें, जितनी मेहनत कर लें और जितने भी चाहे आत्मविश्वास से भरे हों, परीक्षा का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं उनके मन में हल्का सा डर तो बैठ ही जाता है, और बहुतों के अंदर तो बहुत भारी डर भी होता है। तो परीक्षा तो इस साल नहीं हो रही है, इस बात की खुशी जरूर थोड़ी बहुत तो हुई होगी। हालांकि बहुत बच्चे चिंतित भी हैं कि अब पढ़ाई कैसे होगी, स्कूल कैसे लगेगी। परीक्षा तो परीक्षा भी एक अच्छी ही चीज़ है जो हमें और सीखने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर तो होता ही है, और परीक्षा नहीं होने का की थोड़ी बहुत खुशी जो है वो जरूर बच्चों को या बड़ों को भी हुई होगी। तो आज इसी बातों से जुड़ती हुई एक कविता जो मैंने कुछ समय पहले अपने जो मेरे जो बच्चे दोस्त हैं मैंने उनके लिए लिखी थी, वो कविता आपको मैं सुनाता हूँ। इस कविता का नाम है परीक्षा हॉल। परीक्षा हॉल वह जगह होती है जहाँ पे हम जाकर बैठकर परीक्षा लिखते हैं। वहाँ पर अनेक चीज़ें होती हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, कुछ बच्चे कुछ लोग चीटिंग करते हैं, कुछ लोग चीटिंग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग चिट्टे ले आते हैं, कुछ लोग चिट्टे नहीं भी ले आते हैं, अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो इस कविता का नाम है परीक्षा हॉल। परीक्षा हॉल एक भूतिया घर है। परीक्षा हॉल एक भूतिया घर है। यहां भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, जिन, प्रेत, आत्मा सब प्रश्न बनकर आते हैं, बच्चों के होश उड़ाते हैं। यहां भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, जिन, प्रेत, आत्मा सब के सब प्रश्न बनकर आते हैं और बच्चों के होश उड़ाते हैं, डरा डरा कर समझ न आकर, डरा डरा कर समझ न आकर ये सबकी बैंड बजाते हैं। चाहे जितनी कर लो तैयारी तुम, चाहे जितनी कर लो तैयारी, किताब कुंजी चाट लो सारी, या छुपा लो चिट्टे जेब में भर के, या ले आओ कोई तलवार पुरानी। चाहे जितनी कर लो तुम तैयारी, या किताब कुंजी चाट लो सारी, चिट्टे भर लो जेब में, छुपा लो चिट्टे जेब में भर के, या ले आओ कोई तलवार पुरानी, इन्हें पकड़ ना पाओगे। ये जो प्रश्न है, जो भूत है, इन्हें पकड़ ना पाओगे, उल्टे तुम ही फंसते जाओगे, बड़ी बड़ी दांतों से तुमको ये काट चबा खा जाएंगे। कौन? ये प्रश्न, भूतिया प्रश्न। ये भूत बड़े भयानक हैं, ये भूत बड़े भयानक हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, अगड़म बगड़म छू छू मंतर, भूल जा भूलका जाते सारे उत्तर, जैसे तैसे कुछ भी लिखकर, भाई कुछ आ ही नहीं रहा है, भुलक कर है, तो जैसे तैसे कुछ भी लिखकर, चुड़ैल की उल्टी टांग पकड़कर, गुरु जी का पढ़ाया गुरु मंत्र पढ़कर, प्रश्नों की नदियों में डूब कर, घंटी जब टन 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 करती है, घंटी जब टन 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 करती है, जान में जान आ जाती है। अब भैया भूत प्रेत सब भाड़ में जाओ, प्रश्न परीक्षा छोड़ो भागो, भूत प्रेत सब भाड़ में जाओ, प्रश्न परीक्षा छोड़ो भागो, भागो अपनी जान बचाओ, भागो अपनी इस परीक्षा से जान बचाओ। तो ये थी आज की कविता परीक्षा हॉल। बड़ी भूतिया जगह होती है और डराती बहुत है।
अगर आप में से कोई जो है नहीं डरते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत डरते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। परीक्षा हॉल कविता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय।